आज हम जो लीवर फंक्शन टेस्ट में SGOT और SGPT की जो वैल्यूज़ है उनके बारे में जानेंगे। जो हमारी लीवर सेल्स है जिसे हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं, वो अगर टूटती है या डैमेज होती है तो उस वजह से हमारी बॉडी में SGOT और SGPT का लेवल बढ़ता है। SGOT को हम सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमाइनेज और SGPT का लॉन्ग फॉर्म सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमाइनेज। SGOT को AST कहते हैं और SGPT को ALT। जो SGOT है उसका जो नॉर्मल रेंज है वो है 5 से लेकर 40 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर, और SGPT का जो रेंज है वो है 7 to 56 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। जो SGOT है वो हमारे लीवर में, किडनी में, मसल्स में, हार्ट में, ब्रेन में, इन जगह पाया जाता है। और जो SGPT एंजाइम है वो सिर्फ लीवर में पाया जाता है, ये मोस्ट स्पेसिफिक है लीवर के लिए। हमारी बॉडी में SGOT का लेवल क्यों बढ़ता है इसके बारे में जानेंगे। अगर हम कंटिन्यूसली अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, तो हमारा लीवर डैमेज हो सकता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में SGOT का लेवल बढ़ता है। अगर हमारा लीवर लंबे समय तक डैमेज होता है तो इसे हम सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं, इसमें भी SGOT की वैल्यू बढ़ती है। अगर हमारे हार्ट को सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं मिली तो इस कंडीशन को हम MI यानी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें SGOT की लेवल बढ़ती है। जो अब हम जानेंगे SGPT के बारे में, जिसमें जो कि मोस्ट स्पेसिफिक है लीवर के लिए। अगर हमारे लीवर में कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो इस केस में SGPT की वैल्यू बढ़ती है। इट मेनली इंक्रीज इन इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, मेनली हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। अगर हमारी बॉडी में SGOT और SGPT का लेवल बड़ा है तो उसे कम कैसे करें? तो अगर आपको हाइपरटेंशन या शुगर जैसी कोई प्रॉब्लम है तो उसे कंट्रोल में करें। अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल पीना छोड़ दें। अगर आप ओबेसिटी यानी आप मोटे हैं तो रेगुलरली एक्सरसाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जिससे आपका लीवर डिटॉक्सिफिकेशन होकर जो AST और ALT की लेवल है हमारी बॉडी में